दोस्तों, फेमस एक्ट्रेस और मिस इंडिया वर्ल्ड 2006 के खिताब जीतने वाले नताशा सूरी को कोरोना वायरस के टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है। दोस्तों जी हां दोस्तों, उनको कोरोना वायरस हो चुका है और उन्होंने अब ये फैसला लिया है कि उनकी अपकमिंग फिल्म डेंजर्स की किसी भी प्रमोशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, वो अब खुद को होम क्वारंटाइन में दाखिल कर देंगे और डॉक्टर्स की सलाह मानकर अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। वैसे तो ये बहुत ही सैड न्यूज है दोस्तों नताशा सूरी के सभी फैंस के लिए, लेकिन अब हालातों को बदला नहीं जा सकता दोस्तों। इस पेंडेमिक के कारण से 2020 में बहुत सारी हस्तियों जान चली गई है, बहुत सारी कलाकार हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि सब कुछ बहुत जल्द सही हो जाएगा। और अगर बात करें नताशा सूरी की, तो वो बहुत ही स्ट्रांग है, उनको अब खुद का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा, उनको खुद से ही कोरोना वायरस से लड़ना पड़ेगा और जीत हासिल करनी पड़ेगी। और अगर बात करें उनकी अपकमिंग फिल्म डेंजर की, तो इस फिल्म में वो बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर के साथ काम कर चुके हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है भूषण पटेल ने, इस फिल्म को लिखा और प्रोड्यूस किया है विक्रम भट्ट ने। तो फिल्म बहुत ही कमाल की है दोस्तों, और इस फिल्म को 14 अगस्त पर एमएक्स प्लेयर की ओटीटी फोन पर रिलीज कर दिया जाएगा और आप सभी लोग देख पाएंगे। तो नताशा सूरी के सभी फैंस को मैं यही कहूंगा कि आप लोग दुआ कीजिए कि वो बहुत जल्द सही सलामत हो जाए और वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी स्पेंड करना शुरू कर दे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये अपडेट? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।